अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें। कुंभलगढ़ का दुर्ग राजस्थान ही नहीं भारत के सभी दुर्गों में विशिष्ट स्थान रखता है। उदयपुर से 70 किलोमीटर दूर समुद्र तल से 1088 मीटर ऊंचा और 30 किलोमीटर व्यास में फैला यह दुर्ग मेवाड़ के यशस्वी राजा महाराणा कुंभा की सूझबूझ व प्रतिभा का अनुपम स्मारक है। दुर्ग का निर्माण कार्य पूर्ण होने पर महाराणा कुंभा ने इसमें ऐसे सिक्के डलवाए जिन पर दुर्ग और उनका नाम अंकित था। वास्तुशास्त्र के नियमानुसार बने इस दुर्ग में प्रवेश द्वार प्राचीर, जलाशय, बाहर जाने के लिए संकटकालीन द्वार, महल, मंदिर, आवासीय इमारतें, यज्ञ वेदी, स्तंभ, छतरियां आदि बने हैं। इस दुर्ग के बनने के बाद से ही इस पर आक्रमण शुरू हो गए थे, लेकिन ये दुर्ग अजय ही रहा। इस किले को अजयगढ़ कहा जाता था क्योंकि इस किले पर विजय प्राप्त करना दुष्कर कार्य था। इसके चारों ओर एक बड़ी दीवार बनी हुई है जो चीन की दीवार ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद विश्व की दूसरी सबसे बड़ी दीवार है। इस किले के चारों तरफ बनी एक दीवार को भेदने की कोशिश अकबर ने भी की थी, लेकिन भेद न सका। इस दीवार की मोटाई इतनी है कि उस पर 10 घोड़े एक साथ दौड़ा सकते हैं। इस दुर्ग का निर्माण भारत के महान सम्राट अशोक के दूसरे पुत्र संप्रति के बनाए दुर्ग के अवशेषों पर 1443 ईस्वी से शुरू होकर 15 वर्षों बाद 1458 में पूरा हुआ था। महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कुंभलगढ़ एक तरह से मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी रहा है। महाराणा कुंभा से लेकर महाराणा राज सिंह के समय तक मेवाड़ पर हुए आक्रमणों के समय राज परिवार इसी दुर्ग में रहा। इसी दुर्ग में महाराणा सांगा का बचपन बीता था। महाराणा उदय सिंह को भी पन्नाधाय ने इसी दुर्ग में छिपाकर पालन पोषण किया था। हल्दीघाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप भी काफी समय तक इसी दुर्ग में रहे। हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक करने के लिए देखते रहिए शौर्य गाथा आरंभ नए युग का।